कोरिया जिले के वैकुंठपुर में स्थित राजीव भवन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बलरामपुर जिले में गुरुचरण मंडल नामक युवक की मौत की उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक, SDOP, थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं इस विषय में जब भाजपा उपाध्यक्ष शैलेश शिवहरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक राज्य में हो रही दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हर मामले में दोषियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जो नक्सली कांग्रेस के शासनकाल में फल फूल रहे थे, अब रोज बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में गुरुचरण जी की मौत हो गई। ये एक पहली घटना नहीं है। इसके अलावा सूरजपुर में भी अभी एक माँ बेटी की हत्या हो गई। प्रदेश में बड़ौदा बाजार की घटना देख लीजिए, कवर्धा की घटना देख लीजिए, पूरी कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बलात्कार की स्थिति देख लीजिए, प्रदेश में 4000 से ऊपर बलात्कार हो चुके हैं और सरकार सोई हुई है। नक्सल घटनाएं कांग्रेस के समय बिल्कुल जीरो की स्थिति में आ गई थी, इनकी सरकार बनते ही नक्सली पुनः सक्रिय हो गए हैं। तो पूरा प्रदेश अराजकता की दौर पर चल रहा है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इस बात को लेकर हम लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, गृह मंत्री जी कानून व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, सही चला पा रहे हैं, तो इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब यदि ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वो इस सरकार को बर्खास्त करें। नहीं, कांग्रेस ने जो मांग किया है इनको तो तब मांग करना चाहिए जब इस प्रदेश में भूपेश जी की सरकार थी। आज भूपेश सरकार के मुख्य सचिव, कलेक्टर और बहुत सारे अधिकारी जेलों में हैं और बहुत सारे अधिकारी फरार हैं। और आज खुद भूपेश बघेल जी जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनके पुत्र पुत्रियों को भी थाने में बुला के इनसे पूछताछ की गई। इन्होंने एक प्रोफेसर को बेदर्दी से बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया था। तो अपने नेताओं को देखें, और निश्चित रूप से जो बलरामपुर में घटना हुई है वो दुखद है। और हमारे राम विचार नेताम जी जो हमारे उस क्षेत्र के विधायक भी हैं, आज छत्तीसगढ़ सरकार मंत्री हैं, उन्होंने खुद उस मृतक के घर में जाके संवेदना व्यक्त की है और तत्काल ने, और जिसने भी गलती किया है तो उसको सजा मिलेगा और जो उसकी जांच हो रही है। और सूरजपुर की घटना की जो बात है, निश्चित रूप से वहां पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ और जो कांग्रेस NSI का जिला अध्यक्ष था जो दोनों मर्डर केस में आरोपी था, आज उसका अवैध ठिकानों पे बुलडोजर चल रहा। कांग्रेस वालों को तो जो भाजपा ने कार्रवाई की है उसका समर्थन करना चाहिए। और आज सूरजपुर में आप देख लीजिए, उस कबाड़ी के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला और पूरे तो भाजपा सरकार में इतना बढ़िया शासन प्रशासन चला, निश्चित रूप से कहीं कुछ कमी रही है तो उसका जांच हो रहा है।